ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
जगत गुरु सतगुरु दास जी महाराज विश्व के महान रहबर जिन्होंने संसार में जाके हक सच मानवीय अधिकार वाहे गुरु की और समुचे विश्व में सब तो पहले सतनाम का पावन उपदेश सरण कराया रविदास नाम तिरुआती सत नाम है हर दुख दुहारे ओंकार है सत नाम आज जुगा सब सत रविदास सत के सामने टिकने नहीं सत उस ओंकार का नाम हमेशा सत रहने वाला है जो पहले भी सी हूँ भी है अजय रहेगा और जो जीव सतना ले जाता है उसके सामने असत क्यों टिक नहीं सकता। तो जगत रविदास महाराज जी ने श्रीलंका तो बैठे सऊदी अरब तक जाके समुचे विश्व को समुचे मानवता सतनाम का पावन उपदेश बख्शिश किया और जगत गुरु सतगुरु दास महाराज के चरणा कमलों में अंगित राजे महाराजे सारे वर्गों के जुड़ चुके जिन्होंने विश्व में मानवता का प्रेम स्त्री पुरुष मान विश्व भाईचारा संतों की संगत हर का संगत जीवन में मेहनत करके जीना ज्ञान के प्रकाश करने बिगड़ बुरे कदम कल्याणकारी उपदेश बख्श किए जिन्हों उपदेशों का समुची मानवता से प्रभाव पिया और जगत गुरु सतगुरु दास जी महाराज 151 साल से करके संसार में रहे उस तो उपरंत भारत के अलग अलग प्रांतों में संतों महापुरुषों ने समाज सुधारकों ने विश्व पद्धर से पहचान बनाने अनेक अंदोलन चलाए। सतगुरु स्वामी सरबंदास जी महाराज जी अपनी गिरदृष्टि राही जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी के जन्म स्थान की खोज की सारी करवा के विश्व पद्धर से करोड़ों जगत गुरु सतगुरु दास महाराज के पैरोकारों को महान तीर्थ स्थान प्रदान किया उच्चारण किया एक दिन कौम का ग्रंथ और अंत बनेगा अमर शहीद संत रामानंद जी की शहादत तो बाद विश्व पद रविदास कौम स्वाभिमान की देह चली और संत महापुरशों के आशीर्वाद नाल लखां संतां दी हाजरी विच 30 जनवरी 2010 रविदास धर्म का वाण होया अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज दे प्रकाश हुए। अज तक विश्व भर विच लखां दी गिणती विच अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी दे प्रकार हो चुके हैं। विश्व दिया अनेक भाषावां विच अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की व्याख्या हो चुकी है। रविदास जी कौम भारत की सब तो वड्डी कौम है जो विश्व भर विच बसती है। रविदास जी तां जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के पैरोकारों
विश्व पदर ते एकता का सूत्र है। रविदास जी का अर्थ है जगत गुरु ना सतगुर विकास महाराज जी के पैरों का होना है। गुरु पैरसदास संगत जी जे लोग अपने ब्रह्म समर्पण हो जाते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए उन्होंने सम्मान होता है। अमृत बाणी सतगुर रविदास महाराज जी की पूरे विश्व लई मानवीय अधिकारों का दस्तावेज है जिस पर जगत गुरु सतगुर रविदास महाराज जी ने जीवन के हर पक्ष से चलना पाया है। सदियों के गौरव शाले इतिहास से उस तो बाद मानव विरोधी प्रचलित व्यवस्था से और उस व्यवस्था को खत्म करके विश्व में बेगम परिवर्तन का संकल्प दिता और जिस पर सारी मानवता का भला हो सकता है। अज विश्व भर के संत अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के नाम अपने समाजिक और धार्मिक रीति रिवाज करके आजादी का आनंद अनुभव करदियां हन। सानू हमेशा ही अपनी धार्मिक पहचान बरकरार रखना चाहिदा है क्योंकि धार्मिक ताकत विचों ही सारियां आर्थिक समाजिक अधिकारी ताकत निकलदियां हन। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने विश्व में बेगम परिवर्तन का संकल्प दिता और उच्चारण किया रविदास मनुख कर बसन कर सुख कर है दो था एक सुख है स्वराज में दूसर मारे का स्वराज सवा चिंता होनी चाहिए है। और जगत रविदास महाराज ने पराधीनता पाप कहा पराधीनता पाप है ज्ञान के बोली नीत रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत पराधीन का दीन क्या पराधीन वे दीन है रविदास दास पराधीन को सब है समझे हीन है जिहड़ा जी पराए दे दीन होवे ये सब तो बड़ा पाप है। और पराधीन जीवता कोई दिन तक नहीं है तो गुरु प्यारी साध संगत जी संत महापुरशां की कृपा अज रविदास धर्म विश्व भर के जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के पैरोकारा के स्वाधीनता का स्वाभिमान का प्रतीक है। तो साडा यह फर्ज बनता है असीं अपने आने वाले बच्चों अपने लैबर अपने अपने संत महापुरशों के अपने समाज धारकों के अपने शहीदों के विश्व मार्ग लिए और जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के बेगम प्रेम कदम के संकल्प यू एफ ने अपने झंडे लिया और मानवता के नसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान बना के इकट्ठी कर दिता है। उन्होंने सुखा के पैदा रहना साढ़ा सारे का प्रतिमाना है। तो मैं अज कृपा के समय से सारे सरकार लख लख मैं मिलता हूँ। जय गुरु।